हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल एस्ट्रो ऑर्बिट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सप्तम भाव की। ये भाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि इस भाव में ही सृष्टि का रहस्य छिपा हुआ है। इसके बिना सृष्टि का निर्माण ही असंभव है, और उसके लिए ज़रूरी है विवाह, मैरिज, जो जीवन निर्वाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सेवन भाव केंद्र की धुरी है, जिस पर पूरी कुंडली या पूरा जीवन डिपेंड करता है। हम लोग जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष में सप्तम भाव मुख्य रूप से सहयोगी का भाव कहलाता है। उनमें से आपका एक सहयोगी लाइफ पार्टनर भी होता है, जो जीवन भर आपके साथ चलता है। दूसरा सहयोगी आपका किसी भी कार्य में साझेदारी करने वाला होता है, जैसे पार्टनरशिप में काम करने वाला। सप्तम भाव सेकंड भाव से छठा भाव होता है, इसलिए ये हमें बताता है कि हमें धन प्राप्ति के लिए कितना संघर्ष करना है और कैसे करना है। दशम भाव से दशम भाव होने के कारण जो हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को दिलाने वाला भी होता है, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि विवाह के बाद भाग्य बदल गया है। तो सप्तम भाव जो है वो केंद्र भाव होने के कारण आपके द्वारा किए गए जो भी एक्शन होते हैं, जो भी कर्म आप करते हैं, उसको हाईलाइट करता है। हमारी कुंडली के चारों केंद्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लग्न से हम हैं, फोर्थ से हमारे विचार हैं, सप्तम से हमारे जीवन की कार्यशैली है, और टेंथ हाउस से हमारा कर्म है, हमारी कर्म भूमि है। इसलिए जब हम सेवेंथ भाव की बात करते हैं तो लग्न से स्ट्रांग होता है हमारा फोर्थ हाउस, और फोर्थ हाउस से स्ट्रांग होता है हमारा सेवेंथ हाउस, जो लग्न से बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल पर होता है, और सप्तम भाव बिल्कुल लग्न के अपोजिट होता है। तो इसका अर्थ हुआ वो भाव या वो क्रिया जो व्यक्ति जिसका जीवन में जो भी वो करता है उसका सबसे बड़ा रोल होता है। इसलिए सभी ग्रहों को सप्तम दृष्टि मिली हुई है, ताकि वो अपने सामने वाले भाव को बिल्कुल स्ट्रेट वे में, बिल्कुल उसको सामने देख सकें। इसीलिए सप्तम भाव को साइलेंट एनिमी भी कहा जाता है। ऐसा शत्रु जो आपके सामने रहकर आपके लिए या आपकी नज़रों में आपके बिल्कुल पैरेलल खड़ा रहता है। सप्तम भाव मैरिज का भाव है, जीवन साथी का भाव है, विवाह के बाद खुशहाली का भाव है, व्यवसाय में भागीदारी का यानी पार्टनरशिप का भाव भी है। फर्स्ट हाउस जन्म से संबंधित होता है, जबकि सप्तम भाव लग्न से दूरस्थ होता है, यानी कि लग्न से दूर होता है। यदि लग्नेश सप्तम में हो तो व्यक्ति की जमीन जायदाद जन्म स्थान से दूर होती है, क्योंकि सेवन्थ भाव फोर्थ भाव से फोर्थ भी होता है। सप्तम भाव रोड को शो करता है, रास्ते को शो करता है। सप्तम भाव निवास में परिवर्तन के लिए भी देखा जाता है। जब भी आप अपना घर शिफ्ट करते हैं या कहीं नए घर में चले जाते हैं, तो आपका जो सप्तम भाव है वहाँ पर इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब भी निवास स्थान चेंज की बात होती है, इसमें अगर विदेश यात्रा के भी योग हों, तो आप फोर्थ हाउस भी देख सकते हैं और ट्वेल्थ हाउस भी देख सकते हैं। साथ ही साथ सप्तम भाव से पॉलिटिकल रिलेशन को भी देखा जाता है। आपकी योग्यता का भाव है, जिसे एक्शन के रूप में आपको शो करना होता है। हमारे घर की खुशहाली का भाव है। जितने भी कानूनी बंधन होते हैं वह भी सभी हम इसी भाव से देखते हैं, और शादी भी एक बंधन है, जो चाहे कोर्ट में हो या सार्वजनिक हो, जिसमें सभी लोग गवाह के रूप में तैयार होते हैं। दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं कि पाणि ग्रहण संस्कार जिसको कहते हैं, वो सप्तम भाव से ही देखे जाते हैं। सप्तम हाउस हमारी यात्रा में विश्राम का स्थान भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार हम लोग जब यात्रा करते हैं तो कई बार बीच में रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हमें सप्तम भाव से ही देखने को मिलती है। यह भाव आपके पार्टनर का भाव है, जो शादी के बाद आपसे जुड़ता है। इसलिए सेकंड हाउस का सेवन भाव के साथ बहुत बड़ा जुड़ाव होता है। दोनों का स्वामी
काल पुरुष की कुंडली में एक ही होता है यानी कि शुक्र। हमारे पहली संतान का थर्ड भाव सप्तम भाव होता है जो उनकी छोटी यात्रा को, उनके इंटरेस्ट को, उनके शौक को, उनकी हैबिट को या उनके कम्युनिकेशन को शो करता है। हमारी दूसरी संतान का ये भाव लग्न बनता है जो उसके फिजिकल अपीयरेंस को शो करता है, उनके नेचर को शो करता है, साथ ही साथ उनका जो ग्रोथ है, कितनी ग्रोथ किस हिसाब से कब होगी, ये हमारी दूसरी संतान का लग्न भाव डिसाइड करता है यानी कि हमारा सप्तम भाव। सेवन भाव से हम अपने छोटे भाई बहन की पहली संतान के बारे में भी देख सकते हैं, उनकी नेचर कैसा है, उनकी आदतें कैसी हैं। यह भाव हमारी मदर के सुख को भी शो करता है, हमारी मदर की प्लेजर को शो करता है, उनकी प्रॉपर्टी या उनके विचारों को शो करता है। इसके अलावा यह जो भाव है हमारे पिता की उन्नति को शो करता है, उनकी प्रोग्रेस को शो करता है। इसमें साथ ही साथ जब भी हम इस भाव की बात करते हैं या किसी रिलेटिव की बात करते हैं तो उस समय हमें उस समय की दशा, भुक्ति, भाव, भावेश या बनने वाले योग को भी देखना बहुत ज़रूरी है। यह भाव हमारे व्यावसायिक पार्टनर को भी शो करता है क्योंकि यह जो स्थान है सेवेंथ हाउस मार्केट का स्थान भी होता है। जो क्वालिटी आपके पास होगी उसे आप कैसे शो करोगे, इसलिए इस भाव को व्यवसाय का या फिर बिजनेस का भाव भी कहा जाता है। यह भाव हमारे बड़े भाई बहन का नवम स्थान भी बनता है जो उनकी भाग्य वृद्धि या उनकी जो आध्यात्मिक उन्नति है उसको भी शो करता है। और सबसे बड़ी बात, ये भाव जो है वो मारक भाव भी होता है जिसके कारण काफ़ी तकलीफ भी होती है जो हम सभी लोग जानते हैं। साथ ही ये जो भाव है ये अष्टम भाव से ट्वेल्थ भाव है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। शास्त्रों में यही बातें सप्तम भाव के बारे में लिखी गई है। मेरा जो इतने सालों का अनुभव है ज्योतिष के क्षेत्र में उसे मैं इस वीडियो के माध्यम से ही बताने का प्रयास करूंगी ताकि सही और लॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके, और यही मोटिव मेरा इस चैनल का भी है। यदि हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो सेवेंथ हाउस से हम यूटेरस से रिलेटेड, ओवरी से रिलेटेड, स्पर्म से रिलेटेड या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड बीमारी भी देख सकते हैं। साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसी भाव से देखे जाते हैं। हमारे सेकेंड हाउस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सभी हम सेवेंथ भाव से ही देखते हैं। जितनी भी हमारे शरीर में ग्लैंड्स होती हैं उससे रिलेटेड जो भी डिजीजेज होती हैं, सिस्ट है, हर्निया है या फिर जनरल डिबेलिटी, नेवल कैविटी, जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं ये सब हम सप्तम भाव से ही देख सकते हैं। यदि हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो सप्तम भाव वार को शो करता है, एनिमी को शो करता है, डेकॉर्ड को, थीफ को, फॉरेन इंटेलिजेंस को, इंटरनेशनल अफेयर को, इंटरनेशनल डिस्प्यूट को, साथ ही साथ दूसरे राज्यों के साथ हमारे क्या रिलेशन है, सीक्रेट एनिमी को, कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटी को, इंटरनेशनल ट्रेड को, सेपरेशन को या फिर आर्मी का जो भी विक्ट्री होती है या फिर जो उनका लॉस होता है वो भी हम सप्तम भाव से ही देख सकते हैं। जब हम काल पुरुष की बात करते हैं तो सप्तम भाव में तुला राशि आती है जो मूवेबल साइन है और वायु तत्व को शो करती है। तो इस राशि के जितने भी लोग होते हैं उनकी इच्छाएं, उनकी कल्पना शक्ति काफ़ी स्ट्रांग होती है और वो बहुत हवा में बात करने वाले होते हैं। सप्तम भाव का नैसर्गिक कारक शुक्र होता है जो आपके जीवन में विवाह के उपरांत के जीवन के लिए भी जाना जाता है। हम जानते हैं यह भाव काम त्रिकोण का भाव भी है जो केवल मैरिड लाइफ को ही नहीं बल्कि आपके जीवन में किस तरह से कार्य आप करोगे, क्या व्यवसाय करोगे, कैसे करोगे, शादी करोगे, सुख सुविधाओं को भोगोगे, आपके लाइफ पार्टनर, आपके व्यवसायिक पार्टनर, हम सभी यहीं से देखते हैं। इसलिए मारक होने के कारण इस भाव के अंतर्गत आने वाले जितने भी पार्टनर हैं उन सबको हम नॉन एनिमी भी कह सकते हैं यानी जिस एनिमी को हम जानते हैं। हम जानते हैं कि यह वो शत्रु होते हैं जिनसे कई बार हमारे विचार मैच नहीं करते
और दोनों के सोचने के तरीके भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो आपका चाहे तो लाइफ पार्टनर भी हो सकता है या आपका व्यावसायिक पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन ये जो भाव है ये स्थायी मित्र का भाव भी होता है। मतलब जो भी मित्रता आप करोगे वो स्टेबल होगी, इसलिए ही आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपके साथ रहता है। जब आपका सेवन भाव का संबंध सेकेंड भाव से और इलेवेंथ भाव से बनता है तो कोई भी आपके जीवन में स्थायी रूप से जुड़ता है, आपके परिवार से, आपके व्यवसाय से जुड़ता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि शादियां टूट जाती हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, परेशानी आती है या शादी से सुख नहीं मिलता। वही हाल जो है वो पार्टनरशिप में भी होता है, जो भी बिजनेस करते हैं और उसमें जो पार्टनरशिप होती है उसमें भी होता है, बिजनेस टूट जाते हैं, पार्टनरशिप टूट जाती है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि इन संबंधों को बहुत सोच समझ कर जोड़ा जाता है। कई बार शादी से पहले या बिजनेस से पहले हमारे पास भी कई लोग आते हैं कि भई ये रिश्ता सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये बिजनेस पार्टनर सही रहेगा या नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें हम सप्तम भाव से ही देखते हैं। ये सक्सेस होंगे या फेल होंगे तो इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे कि किन योगों के कारण ऐसा होता है कि मतभेद होते हैं और लंबी दूरी तक रिश्ते चलते नहीं हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग विदेश जाना चाहते हैं लेकिन डर जाते हैं कि जाएं या ना जाएं। इसके लिए सप्तम भाव को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सप्तम भाव रास्ता है, हमारा पाथ है, जहाँ जो दो या दो से अधिक अनजान व्यक्ति मिलते हैं। मतलब आपको पता है जब भी हम रास्ते में चलते हैं तो हमें कोई ना कोई व्यक्ति या कोई अनजान व्यक्ति रास्ते में मिलता ज़रूर है। तो आपको सम्मान मिलेगा या आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सभी आप इसी भाव से देखेंगे। यदि हम विदेश में सम्मान की बात करते हैं तो सेवेंथ भाव के साथ साथ हमें टेंथ भाव के अलावा ट्वेल्थ भाव को भी और उसके स्वामियों को भी देखना बहुत ज़रूरी है। सेवेंथ भाव की जब हम बात करते हैं तो सेवेंथ भाव जो है वो आपका सहायक भाव होता है, दशम भाव हमारे कर्मों के सम्मान का भाव होता है और ट्वेल्थ भाव विदेश का भाव है। सेवेंथ भाव से सिक्स स्थान पर आता है जहाँ अजनबी भी देखे जाते हैं। शुक्र सप्तम भाव का नैसर्गिक कारक ग्रह है और गुरु भी इसका सहायक ग्रह है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। सप्तम भाव एक और कारण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हर भाव की ऊर्जा जो एनर्जी है वो उसके सप्तम भाव में होती है। तो जब हम सप्तम भाव की बात कर रहे हैं तो लग्न की ऊर्जा सप्तम भाव में होगी। अब ऊर्जा का जो निर्माण है वो 180 डिग्री के एंगल पर ही होगा। तो शुक्र अगर अच्छी स्थिति में होगा तो आपका शादीशुदा जीवन अच्छा रहेगा, साथ ही आप व्यवसायिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि तुला राशि शुक्र की ही राशि है। थर्ड भाव की तरह सप्तम भाव को भी काम त्रिकोण का भाव कहा जाता है। काम का अर्थ अलग अलग ऊर्जाओं से भी होता है। जब हम लग्न की ऊर्जा सप्तम भाव में देखते हैं तो लग्न से सप्तम भाव तक हमारे सभी चवन चक्र भी होते हैं, सात लाइट भी होती हैं, जो हर भाव को अलग अलग चक्र का स्थान भी देती हैं। हमारे जीवन में सप्तम भाव का सबसे अधिक रोल इसलिए भी आता है क्योंकि ये जो भाव है इस भाव में दो गुरुओं का स्थान है, शुक्र का भी और गुरु का भी। तो ये जो ऊर्जाएं होती हैं ये मैटेरियलिस्टिक ऊर्जा भी होती है और स्पिरिचुअल से जुड़ी हुई ऊर्जा भी ये होती हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम हमारे सारे चक्रों पर ध्यान देते हैं, ये किस तरह काम करते हैं इसकी चर्चा भी जब मैं जैमिनी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अपनी वीडियो बनाऊंगी उसे मैं बहुत आराम से गहराई से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। हमारी सभी ऊर्जा का जो सेंटर पॉइंट होता है वो सप्तम भाव होता है, इसलिए सप्तम भाव का कारक शुक्र के साथ साथ गुरु को भी माना जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सप्तम भाव है वो शुक्र के कारण वैवाहिक जीवन को दिखाता है और गुरु के कारण हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी शो करता है। शुक्र से आप अपनी शुरू की लाइफ देख सकते हैं, जो बिगनिंग आपका होता है शादी की बात का,
उसके बाद का जो मिडल लाइफ होता है वो शुक्र और गुरु दोनों का मिक्सिंग रूप होता है। उसके बाद जो एंडिंग लाइफ होती है वहाँ पर गुरु का रोल आता है। तो सप्तम भाव में शुक्र होगा तो जातक को एक अच्छा वक्ता बनाएगा, अच्छा बिजनेसमैन बनाएगा या एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी दे सकता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्वेलरी का भी बड़ा शौकीन होगा। अगर वो मेल है तो उसका काम ज्वेलरी से रिलेटेड हो सकता है, और अगर कोई फीमेल है तो उसे ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक होगा। साथ ही साथ ये खाने पीने का भी बहुत शौकीन होंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि काल पुरुष का जो सेकेंड लॉर्ड है वह भी शुक्र बनता है। लेकिन गुरु सप्तम भाव में इंसान को स्कॉलर बना देगा, लर्नर बना देगा, आपको आध्यात्मिक गुरु बना देगा। लेकिन अगर मंगल इनके साथ होगा तो शुक्र और गुरु दोनों को ही उन्मादी बना देगा, एक हिडन एंगर दे देगा जो आपके पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन में परेशानी दे देगा। अन्य योगों को भी देखना बहुत जरूरी है, हम केवल बेसिक पॉइंट पर बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ज्योतिष में भाग्य बलवान होने पर ही जीवन में मुश्किलें कम आती हैं, व्यक्ति जल्दी ही उन्नति कर लेता है और भाग्य का और कर्म का साथ व्यक्ति को मिल जाता है। इसलिए द्विस्वभाव जो लग्न होते हैं, ड्यूल साइन वाले जो लग्न होते हैं, उनके लिए सप्तम भाव जो है वो बाधक भी बनता है। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए बाधक भाव का भाव भावेश से संबंध किससे बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, इस चीज़ को भी समझना बहुत जरूरी होगा। अब बात करते हैं मारक भाव की। मारक भाव क्या होते हैं? हम लोग जानते हैं हमारी कुंडली में सेकंड भाव के साथ साथ सेवेंथ भाव को भी मारक का स्थान दिया गया है। मारक भाव के बारे में या मारक के बारे में सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, अलग अलग विचार हैं उनके, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर अपने विचार रख रही हूँ। पुराने समय में इंसान जब अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को ख़त्म करने के बाद, अपने दायित्वों को ख़त्म करने के बाद अपनी एक अलग ही यात्रा पर निकल जाते थे, वो यात्रा उनकी होती थी आध्यात्मिक यात्रा। लेकिन इस यात्रा में उसके परिवार के लोग में उनकी जो पत्नी होती थी, उनकी जो वाइफ होती थी, वो उनकी यात्रा में बाधक बन जाती थी, क्योंकि सप्तम भाव पत्नी का भाव है और नैसर्गिक शुक्र का भाव है, जिसके कारण उसकी यात्रा या उसके जीवन का जो उद्देश्य होता था वो पूरा नहीं हो पाता था। तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति की जो स्थिति होती थी वो मरण समान होती थी। साथ ही सप्तम भाव अष्टम भाव से ट्वेल्थ भी है, जो यात्रा को दोनों भाव यानी कि सेवन भाव और ट्वेल्थ भाव दोनों शो करते हैं। वो व्यक्ति कई बार वापस भी घर नहीं आते, लेकिन इस स्थिति में जब तक वो व्यक्ति ना तो बाहर जा पाता है और ना ही वो व्यक्ति जो है वो घर पे आ पाता था, इसलिए उनकी जो स्थिति थी, उनकी जो कंडीशन थी या वो जो उनका जीवन का पर्पस था वो अधूरा रह जाता था, और उनकी अपनी जो इच्छाएं होती थी उनका हनन होता था। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए वो जो कंडीशन होती थी वो मरण समान होती थी, इसलिए इसे मारक भाव कहते हैं। जब सेकंड मारक की बात होती है तो वो मृत्यु को शो करती है, क्योंकि ये थर्ड भाव से भी ट्वेल्थ पड़ता है। और जब हम सेवन्थ मारक की बात करते हैं तो सेवन्थ मारक जो है वो मरण को इंडिकेट करता है। तो इस पॉइंट पर सबकी अपनी अलग अलग राय हैं। साथ ही साथ छठा भाव जो है वो सिक्स भाव जो है वो आपकी बीमारी का भाव है, और अष्टम भाव जो है वो मृत्यु का स्थान है। इनके बीच में ही सेवेंथ भाव होता है जो इन दोनों के बीच में मरण की स्थिति बना देता है, यानी कि आपका जो कंडीशन होगा वो बिल्कुल मृत्यु तुल्य कष्ट के बराबर होगा। फिर भी यदि आपको किसी कारण से सेवेंथ भाव आपका स्ट्रांग नहीं है या आपको संतुष्टिपूर्ण रिजल्ट नहीं दे पा रहा है तो कुछ उपायों की मदद से आप उन्हें स्ट्रांग बना सकते हैं। हालांकि आपकी कुंडली के ग्रह योग क्या फल दे रहे हैं ये सब उन्हीं पर निर्भर करता है। दशा क्या है, भुक्ति क्या है, योग कैसे बन रहे हैं, फिर भी हम कुछ उपायों की मदद से अपने सप्तम भाव को स्ट्रांग कर सकते हैं। आप नव ग्रह की शांति करवा सकते हैं, शिव की आराधना करवा सकते हैं, छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन खीर खिला सकते हैं, लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकते हैं,
लेकिन इसमें हस्बैंड वाइफ अगर दोनों मिलकर इसको करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। किसी ब्राह्मण को पीले वस्त्र दे सकते हैं, साथ ही कभी भी किसी स्त्री का अपमान ना करें, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसके अलावा आप अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी एस्ट्रोलॉजर से जरूर करवा सकते हैं, ताकि कुंडली के हिसाब से ही आप इन उपायों को कर सकें। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से संबंधित आपके कोई सवाल हैं या आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।